हेलो, आज मैं सेट के नेक्स्ट लेक्चर में मेरा टॉपिक है जो बात पढ़ाने वाला हूँ वो है मेरा वेन डायग्राम। ठीक, वेन डायग्राम से हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम हम बात करेंगे। पहले वेन डायग्राम को समझेंगे, वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में स्पेसिफिकली हम सेट को, सेट का जो रिलेशन होता है, कोई मान लो ए एंड बी दो सेट हैं, उसको हम उनके बीच क्या रिलेशन है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में लिख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले जैसे मैं मान लो मैंने कोई सेट ए ले लिया। ठीक, ए बी सी, मेरा ए सेट क्या है, ए बी सी, एंड बी सेट मेरा है जो 1, 2 एंड 3। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट मेरा जो गिवन है वो हो जाएगा ए बी सी 1, 2, 3, 4। मीन्स क्या मीन्स, यूनिवर्सल सेट मेरा जो होता है वो जितने भी मेरे सेट हैं वो सबका कंबाइंड सबसे बड़ा सेट होता है। तो ठीक, अगर हमको लिखना हो क्या नाम से वेन डायग्राम के फॉर्म में, अगर इनके बीच जो रिलेशन है या इनको, इन दोनों सेट को अगर हम एक डायग्राम के, वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना चाहें, डिनोट करना चाहें, तो आप देखिए पहले मैं सबसे पहले वेन डायग्राम को जो मेरे एलिमेंट्स हैं इनको हम सर्किल में लिखेंगे। सर्किल मीन्स, लेकिन हम आपको बताते हैं वेन डायग्राम में कैसे हम लिखेंगे। अभी डिफिनीशन बताएंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो देखिएगा मान लो मेरा ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में मैंने यू को लिख दिया। ठीक, यू मीन्स क्या हो जाएगा मेरा ए बी सी 1, 2, 3, 4 के सभी एलिमेंट यू के अंदर आते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। ठीक, एंड मेरा एक सेट ए दिया हुआ है, ए के अंदर मेरे ये इतने तीन एलिमेंट हैं ए बी एंड सी, तो मैंने एक सेट बना लिया, मेरा ए है ये। इसके अंदर क्या है, ए बी एंड सी, इसको हम ए नाम दिया हमने। ठीक है, एंड मेरा बी सेट है वो है मेरा 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये मेरा हो गया बी। ठीक, अब देखो यू के अंदर कौन कौन से हैं, ए बी सी हैं, ए बी सी, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लेकिन 4 जो मेरा है वो किसी सेट में नहीं, ना तो ए में है ना तो बी में है, लेकिन यू में है, तो हम 4 इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ये मेरा हो गया वेन डायग्राम फॉर्म। वेन डायग्राम को हम ऐसे ही मतलब फिगर बना के लिखेंगे। जो मेरे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सर्कल में लिखते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट होगा मेरा उसको हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम डिफिनीशन की बात करेंगे वेन डायग्राम की डिफिनीशन। ठीक है, यही देखिए डिफिनीशन, द रिलेशन बिटवीन सेट्स, द रिलेशन बिटवीन सेट्स, द रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डायग्राम्स। अगर हम सेट मेरा जो सेट के बीच जो रिलेशन है मेरा, अगर उसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरा क्या होता है, वेन डायग्राम, वेन रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम। ठीक, सेट के बीच जो मेरा रिलेशन होगा उसको हम अगर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मेरे वेन डायग्राम होगा। ठीक, अब देखो नीचे एक पॉइंट और आता है, दीज डायग्राम्स, ये जो सभी डायग्राम्स होंगे, देखो अभी मैं आपको डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि डिफिनीशन से पहले एग्जांपल आपने समझ लिया, जब डिफिनीशन भी समझ लोगे तो दोनों मिलके आपका बहुत अच्छे से वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बार आप देखो, मैं उसके बाद आपको बहुत अच्छे समझ आता हूँ। ठीक, दीज डायग्राम्स कंसिस्ट, दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व क्या होंगे मेरे, वो सर्किल में होंगे। ठीक है, एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्किल होंगे। ठीक है, देखो अभी मैंने जो इसके पहले
मैंने फिगर बनाया था वो मेरा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में था और उसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए थे यूनिवर्सल के अंदर उसको मैंने सर्कल में लिखा, वही बात कर रहा है। देखिए द रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, जो सेट के बीच रिलेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से, विच आर नोन एज वेन डायग्राम, वो मेरा वेन डायग्राम कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है मेरा दिस डायग्राम कंसिस्ट, वो डायग्राम कंसिस्ट होंगे किससे, रेक्टेंगल से होंगे और क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्किल, रेक्टेंगल से होंगे और सर्किल से होंगे, ऐसे हम ऐसे वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, नाउ एग्जांपल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन। अब एग्जांपल एक और देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल है v इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव अप टू कहाँ तक, टेन तक। मेरा v मैंने एक्सेप्ट लिया है 1 to 10, ये मेरा क्या है, सॉरी u होगा, यूनिवर्सल सेट दे रहा हूँ ना, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब देखो ए मेरा गिवन है 2, 4, 6 and 8। ठीक, और बी मेरा गिवन है 4 and 8। अब देखो, अब हम इसको वेन डायग्राम में दिखाना है। देखो वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया कि पहले हम एक यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, यू बना लिया मैंने, यू के अंदर मेरे सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, लेकिन पहले हमको ए और बी को क्लोज्ड कर्व में मीन सर्कल में लिखना है। तो देखो मैंने लिख दिया 2, 4, 6 and 8। ठीक, और मैंने बी ले लिया, बी मेरा क्या है 4 and 8, बी क्या है 4 और 8। तो 4, 8 कहाँ है मेरा, 4, 8 तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो 4, 8 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे 4 and 8, ये हो गया मेरा 4, 8। ठीक, अब बचता क्या अपने पास, 1, 2, 3 जो जो नहीं आया है मेरा क्लोज्ड सर्कल में उसको मैं अलग से लिख दूंगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यही होता है, ये मीन सबको कंटेन कर लेगा सभी एलिमेंट्स को। तो क्या बचा मेरे पास, 3, 4 भी हो गया है, 5, 6 भी हो गया है, 7, 8 भी हो गया है, 9 and 10। ठीक, ये मेरा हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। अब देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, मेरा जो सेट ए है, ये मेरा सेट ए है, बी को कंटेन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वेन डायग्राम से हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि भाई हाँ, ये जो मेरा बी सेट है वो ए के अंदर आ रहा है, तो हाँ आप कह सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और वेन डायग्राम से फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यूनिवर्सल सेट मेरा 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 तक दिया है। ठीक, ए के अंदर मैंने 2, 4, 6, 8 लिया है। ठीक, बी मेरा है 4, 8। अब इसको हम पहले सब एक साथ लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में 1, 2 लेकर 10 तक। ठीक, मेरा जो ए में सेट में गिवन है 2, 4, 6, 8, उसके लिए मैं लिखूंगा 2, 4, 6, 8 को एक मैंने सर्किल में लिख लिया, क्लोज सर्किल में। फिर अब देखो मैंने बी लिया है, बी क्या है मेरा 4, 8। ठीक, और 4, 8 मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा ए के अंदर ही है, ए के अंदर है, तो ए के अंदर हम सर्कल में उसको डिनोट कर देंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर जो है बी आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए के अंदर है। ठीक है, अब वेन डायग्राम के अंदर कुछ ऑपरेशन आते हैं, जैसे हम नंबर्स के साथ साथ, नंबर्स में हम ऑपरेशन लिखते थे प्लस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन अभी तक हम नंबर्स में किए हुए हैं। ठीक है, अब हम सेट्स के ऑपरेशन, दो कोई दो सेट ले लिया मैंने, ठीक, दो सेट के बीच जो ऑपरेशन लगाएंगे उसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए सेट्स ऑपरेशन हमारे क्या क्या होते हैं, ऑपरेशन आना सेट, जैसे देखो पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम तो हो गया। ठीक, वेन डायग्राम पे भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, जब हम इसके ऑपरेशन से बताएंगे उसमें क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो मेरा हो गया ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक, सेट के ऊपर ऑपरेशन, अभी तक देखो हम क्या नंबर्स पर ऑपरेशन लगाते थे, मींस देखो जैसे मैंने 5 + 12 किया तो क्या आया मेरा 17, मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन कितने होते हैं जनरली जो हम अभी तक पढ़े हैं, एक टेंथ तक पढ़ चुके हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है, एक डिवीजन होता है। ठीक, तो मेरा ये क्या हुआ, प्लस ऑपरेशन हुआ, 5 में मैंने 12 ऐड किया 17 आया, जब 5 में मान लो मैंने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन हो गया ना ये, तो 5 × 11 क्या होगा 55, ये सभी मेरे क्या हो गए, ऑपरेशन हो गए। अब मान लो मैंने 13 ले लिया, 13 - 5
तो कितने आ गए, 8 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मान लो ये भी एक ऑपरेशन है, मान लो मैंने 12 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 2 आ गया, ये भी एक ऑपरेशन है। ये मेरे नंबर्स में ऑपरेशंस हो गए ना। अब हम बात करेंगे सेट्स के ऊपर ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला मेरा ऑपरेशन आता है यूनियन। यूनियन, यूनियन को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ऑपरेशन ऑफ सेट में मेरा पहला आएगा यूनियन ऑफ सेट, डिनोट हम इसको करते हैं डिनोटेड बाई यू। ठीक, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम, देखो पहले एग्जांपल से ही बात करते हैं जो मेरा। ठीक, ऐसे ही मान लो ए सेट ले लिया मैंने 3 4 5 6 ए लिया, बी लिया मैंने 1 2 3। ठीक, बी ले लिया मैंने 1 2 एंड 3। अब देखो कह रहा है कि आप ए यूनियन बी बनाओ। जैसे कि आपको अभी तक यूनियन के बारे में पता, यूनियन मैं अगर आपको डायरेक्ट बताऊं, यूनियन मीन्स होता है दो सेट को एक साथ मिलाकर लिख दो। मीन्स पहले इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिख देंगे, फिर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको भी लिख देंगे। बट एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई एलिमेंट 2 times आया है उसको एक ही बार लिखेंगे। और एक चीज़ और, उसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस मीन्स ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख दो फिर 4 लिखो फिर 2 लिखो फिर 8 लिख दो, ऐसा नहीं। 2 3 5 8 क्रम वाइज। ठीक, देखो पहले मेरा 3 है, 3 यहाँ पे भी है लेकिन उससे पहले मेरा 1 और 2 है, हम सबसे पहले 1 एंड 2 लिखेंगे। फिर 3 है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 लिखेंगे। फिर देखो मेरा फिर 3 आया लेकिन अब 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने एक बार 3 को लिख दिया है। ठीक है, 3 हो गया मेरा, फिर 4 आता है, फिर 5, फिर 6। अब देखो इसमें कुछ बचा है नहीं, 1 2 3 हो गया है, 1 2 3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है नहीं, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 मैंने लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ये मेरा ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से, ए मैंने 3 4 5 6 दिया है और बी दिया है 1 2 3। ठीक है, अब ए यूनियन बी हमको निकालना है। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, दोनों सेट को मिला देंगे, पहली कंडीशन। ठीक, देखो पहली चीज, कंटेंस ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को कंटेन कर देंगे। ठीक, दूसरा है डू नॉट रिपीट सेम एलिमेंट, मींस रिपीट नहीं करेंगे क्या, जैसे मान लो 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, सेम एलिमेंट नॉट रिपीट, सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं लिखेंगे अपने यूनियन में। ठीक है, नॉट रिपीट। एक चीज, जब मैं कंटेन तो कर देंगे लेकिन उसको सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस मीन्स 1 2 3 4, ऐसा नहीं 2 3 लिख दिया 4 लिख दिया फिर 1 2, ऐसा नहीं। राइट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में लिखेंगे जिससे अच्छा भी लगे ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक इसके बाद हम एक एग्जांपल और बात करेंगे, फिर हम डिफिनीशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है मेरा, अगला एग्जांपल देखो, थोड़ा पहले डिफिनीशन ले लीजिए। ठीक, इसके बाद एग्जांपल बताएंगे, जो भी मैंने बताया है बहुत उम्मीद करता हूँ आपसे आपको समझ में आएगा। ठीक, डिफिनीशन क्या है, द यूनियन ऑफ सेट, मान लो कोई मेरा गिवन सेट ए एंड बी है। ठीक, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए और सेट ए एंड बी का यूनियन होगा इज द सेट विच कंसिस्ट of all elements means a के जितने पास वो एलिमेंट होंगे एंड बी के पास जितने एलिमेंट होंगे सभी को मिलाकर हम लिख देंगे। ठीक है, सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के पास जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम मिला करके लिख देंगे। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
ए एंड आर एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, मींस ए के जितने पास, ए के पास जितने भी एलिमेंट होंगे एंड बी के पास जितने एलिमेंट होंगे, ठीक, ये मेरा पहला वो हो गया। दूसरा देखो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, मींस एक ही बार लेंगे कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस ठीक है। कॉमन एलिमेंट जितने भी मेरे पास होंगे, जैसे अभी 3-3 आया था उसको मैंने एक बार लिखा, तो मैं उसको मैं एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिर देखो एक बार, यूनियन ऑफ द सेट हम इसको डिनोट करते हैं यू से, तो यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट, ए एंड बी कोई सेट होगा मेरा, उसको हम यूनियन ऑफ सेट के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। आप ऑल एलिमेंट्स आप ए एंड ए के सभी एलिमेंट्स एंड बी के सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, लेकिन एक कंडीशन और रहती है उसके साथ, कॉमन एलिमेंट बीन टेकन ओनली वंस टाइम, दोनों के बीच जैसे 3 पहले में भी है 3 दूसरे में, उसको आप एक ही बार लिखेंगे दोनों सेट के, ठीक है। नाउ एग्जांपल की बात करेंगे हम, आई थिंक आपको डिफिनेशन समझ में आई हो, एक एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल है मेरा, ए सेट मैंने लिया है ए ई आई ओ यू, मैंने ए सेट ले लिया ए ई आई ओ यू, बी ले लिया मैंने आई ओ यू, बी सेट ले लिया मैंने क्या आई ओ यू, ठीक है। अब देखो हमको शो करना है सो दैट क्या यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, पहली चीज, ठीक है, हमको क्या शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब देखो इसके बाद इसमें हम वेन डायग्राम से भी आपको दिखा देंगे, वेन डायग्राम से इसका बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरा, ये लिखेंगे पहले ए यूनियन बी बराबर ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। बी क्या है, यूनियन लिख दिया मैंने बी आई ओ एंड यू। अब देखो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, दोनों में जितने भी इसमें भी आई जो सभी को मिला करके, कॉमन नहीं, कॉमन तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, सभी को मिला करके लिख देंगे। देखो ए है इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है, लिख देंगे। ई आता है यहाँ पे नहीं है, ई भी लिख देंगे, ठीक। आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, मैंने बताया था सेम एलिमेंट वन टाइम लिखेंगे तो आई लिख दिया, ओ है ओ भी लिख दिया, दोनों में है एक ही बार लिखेंगे, यू एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये इस क्या होगा ए ई आई ओ यू मेरा क्या है, ये मेरा ए है, हम क्या कहेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, हुआ ना ये ए यूनियन बी ए हुआ, इसका मतलब ये मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, समझ रहे हो आप। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, देखो ए यूनियन बी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया क्या, देखो इसको मैं लिख दूंगा तभी और समझ में आएगा आपको। ये मैंने लिया था ए ई आई ओ यू, बी लिया था मैंने जो है क्या ए सॉरी आई ओ यू, मेरा ए यूनियन बी क्या आ गया था, ए यूनियन बी बराबर ए आ गया था, ठीक। तो अब देखो आप ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में, ए यूनियन बी मोस्टली आप ऐसा समझ सकते हो एक चीज़ और, एक वो तो हो गया पहली चीज़ वो कंडीशन थी, लेकिन जो मेरी सेकंड कंडीशन ए यूनियन बी की आती है, या तो मेरा ए ही हो जाएगा जो मेरा ए यूनियन बी में आएगा, ए ही, ए मीन्स क्या, ए यूनियन बी में मेरा क्या आया था यहाँ पे ए ई आई ओ यू आया था ना, ऐसी एक ऐसी भी क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे कभी कभी कभी, मेरा ए यूनियन बी में ए ही हो जाएगा सभी एलिमेंट, ए यूनियन बी में अथवा बी ही हो जाएगा, या तो मेरा ए होगा या तो केवल बी, ऐसी भी सिचुएशन आएगी। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी में यक्स एज दैट यक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ए अथवा बी, यक्स बिलोंग्स टू ए अथवा यक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ये मेरा यक्स ए से ही बिलोंग कर जाएगा तो बी से नहीं करेगा, ठीक, अथवा बी से ही पूरा, मतलब बी से बी के सभी एलिमेंट होने, जैसे देखो आप ये बता रहा हूँ ए एंड बी दिया है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, मीन्स ए यूनियन बी मैंने निकाला, इसमें ए ई आई ओ यू है, इसमें आई ओ यू है, तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक। तो मीन्स क्या समझे आप, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इंटरसेक्शन और यूनियन में, ये चीज़ बड़ा, इंटरसेक्शन में जो मेरा एंड हो जाता है
हम एंड या तो ए को लेंगे और या ए को लेंगे और बी को, दोनों को लेंगे इंटरसेक्शन में, अभी आगे बात करेंगे, बट यूनियन में हम या तो ए को लेंगे अथवा बी को लेंगे, ठीक, मीन्स ए के एलिमेंट होंगे अथवा बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है ना। देखें, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया, ठीक है, जो ना समझ में आया कमेंट करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसको आप ज्वाइन करो, वहाँ पूछो, आप डिस्कस करो क्वेश्चंस को और मैं बताऊँगा वहाँ पे आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हाँ एक चीज, ए यूनियन बी को हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। देखो आप पहले एक चीज़ मैं भूल गया, ए यूनियन, देखो ये मेरा क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है, जो पूरा रेक्टेंगल, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए यूनियन ए में मान लो कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो हम ए यूनियन बी कैसे लिखते थे, सभी को एक बराबर, तो हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी मेरे कितने आएंगे, सभी आ जाएंगे, ठीक ना। ए यूनियन बी में जितने हो जाएंगे सभी एलिमेंट्स, मतलब पूरा फुलफिल हो जाएगा, ठीक ना। ए यूनियन बी को हम अगर डायग्राम से लिखना चाहेंगे तो ऐसा होगा मेरा। चलो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो कोई ए यूनियन बी है उसको हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। सेकंड है, मान लो कोई ए बी सी तीन सेट है तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको आपको ऐसा समझो लर्न ही कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ए भी मैंने कोई सेट लिया, ठीक है, ए भी मैंने कोई सेट ले लिया, ठीक है, ए लिया कोई सेट, बी लिया सेट, तो उसका ए यूनियन बी मैंने निकाल लिया, फिर उसी एलिमेंट का मैंने बी का यूनियन ए के साथ करूंगा तो दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरा ए है, दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले हम बी और तीन सेट गिवन होगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, बी और सी का पहले यूनियन निकाल लूंगा, फिर जो आएगा मेरा उसको ए के साथ लिख दूंगा, फिर मेरा निकल करके इसका आउटपुट आएगा, फिर मैं इसको फाइंड कर लिया, मान लो मेरा ये आ गया, अच्छा इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ, ठीक है। मान लो देखो ए है, ए बी एंड ए बी ले लो, छोटा छोटा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बी है मेरे पास बी एंड सी, ठीक, और सी है मेरे पास सी एंड डी, ठीक ना। देखो अब क्या है, ए यूनियन, देखो ए है मेरा, ये क्या है, ए कामा बी, इसका यूनियन इसके साथ है, बी और सी का यूनियन, बी क्या है मेरा, बी सी, बी सी का यूनियन लिखेंगे क्या होगा, इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन क्या करेंगे, पहले बी को लिख लेंगे, बी इसमें है नहीं, फिर सी है, सी को लिख लिया, सी इसमें है तो एक ही बार लिखेंगे, एंड फिर मैंने डी लिख दिया, ठीक, मेरा एल एस एस चल रहा है अभी, समझ लो आप, ठीक है, मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इन दोनों का यूनियन अब करेंगे, पहले मैंने फर्स्ट सेट में ए बी है मेरा, ए बी लिख दिया, इसके बाद अब यहाँ पे ए तो नहीं है, ए लिख दिया था बी, बट बी है, बी को एक ही बार लिखेंगे, बचा मेरा सी एंड डी, मेरा एल एच एस पार्ट क्या आ गया, ए बी सी डी। अब आर एच एस पार्ट देखते हैं हम, आर एच एस पार्ट, ठीक है ना, आर एच एस पार्ट ये, पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को लिखेंगे, ए यूनियन बी मीन्स मेरा ये ए यूनियन बी, देखो ए में मेरा ए है, ए लिख दिया, फिर इसमें ए नहीं है बट इसमें बी है, बी यहाँ पे भी है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर मेरा सी यहाँ पे है, फिर एक बार लिख दिया मैंने सी, ठीक। अब देखो फिर यूनियन क्या बोल रहा है, यूनियन सी, यूनियन सी क्या है मेरा, सी है, सी एंड डी, ठीक ना। अब इन दोनों का यूनियन लो, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा मेरा, पहले सेट का लिख लेंगे हम ए बी एंड सी, इसके बाद सी मेरा हो गया, फिर डी आता फर्स्ट आई डी, ये मेरा हो गया आर एच एस, देखो एल एच एस मेरा ए बी सी डी, आर एच एस भी मेरा ए बी सी डी, इसका मतलब ये मेरा सही है, एसोसिएटिव लॉ यही होता है, इसको आप याद कर लो। इसके बाद मेरा थर्ड लॉ आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट देखो थर्ड है ए यूनियन फाई, फाई क्या होता है मेरा, नल सेट, नल सेट मैंने इम्प्टी सेट बताया हुआ है आपको, आप स्टार्टिंग से अगर मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा, मेरा ए ही आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि तो मिला देंगे हम ए ही आ जाएगा, ठीक। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मेरा फोर्थ है
ए यूनियन ए, ए यूनियन ए मीन्स मेरा एक सेट ए गिवन है, उसका यूनियन उसी के साथ जब लेंगे तो वही आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक ना। देखो फिफ्थ है मेरा यूनियन, यूनियन ये नहीं है, यहाँ ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट पता है ना आपको, तो बड़ा वाला सेट दिया होगा, यूनिवर्सल सेट का यूनियन हम करेंगे ए के साथ तो क्या आ जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, आप फिर से बता दे रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट, ये भी मेरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर हम ए के साथ करेंगे यूनियन आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा सेट तो मैंने आपको बताया है, यूनियन में मेरा जो बड़ा सेट होता है और उसमें भी जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको एक ही बार लिख करके करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फिर माइनस डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक, थैंक यू।